हेलो गाइस, वेलकम टू द आयुष ब्लॉग चैनल। और आज का जो ब्लॉग है कोई ज़्यादा दूर का नहीं है। आज हम जाने वाले हैं नेहरू पार्क, और आप सबने नॉर्मली सुना होगा वो बहुत फेमस जगह है दिल्ली की, और नॉर्मली लोग वहाँ आते भी हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए चलिए चलते हैं नेहरू पार्क में, वैसे हमें टाइम बहुत हो चुका है। तो गाइस, हम आ चुके हैं नेहरू पार्क, और आइए आपको दिखाते हैं नेहरू पार्क। स्टार्ट। तो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर मतलब झूले भी हैं, दिखा दो भैया जी मार झूले। मतलब लॉकडाउन के कारण इन पर कोई है नहीं, अभी एक दूसरे अंकल दिख रहे हैं। देख सकते हो गाइस, आप यहाँ का एरिया कितना अच्छा, कितनी ग्रीनरी है यहाँ पर। ये डॉग्स वगैरह लाए लोग भाग गए हैं, और मतलब बहुत ही अच्छा एरिया है एकदम, तो फुल ऑफ ग्रीनरी से भरा पड़ा है ये पार्क। और यहाँ की नेचर भी बहुत अच्छा है, व्यू भी, आप भी आओ तो यहाँ आ सकते हो। जैसे मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक और आफ्टरनून में भी आ ही सकते हो। यहाँ पर छांव भी बहुत है, बहुत सारे ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, मतलब बहुत ही अच्छा एरिया है वॉकिंग एरिया में। ये बहुत अच्छा एरिया है, और मुझे लगता है कि अच्छा एरिया कोई होगा दिल्ली में, और एकदम शांत एरिया है ये। बस यहाँ पर अगर कोई आता है रनिंग वे पे तो थोड़ा इधर शोर शराबा है। एक बार दिखा दे, इधर कार्स वगैरह चलती हैं यहाँ। और बाकी अगर आप आते हो, और बहुत अंदर तक है, बहुत अच्छा पार्क है, अगर आप अंदर जाते हो तो बहुत शांति भी है यहाँ, और बहुत ही अच्छा एरिया है, और आपको ऐसा मतलब बहुत ही अच्छा एरिया है। तो गाइस, ये है रनिंग वाला वे जहाँ पर लोग बाग रनिंग करते हैं सुबह शाम, कभी भी आ जाओ। ये रनिंग वाला एरिया एक बार दिखा दे यहाँ पर ना पूरा। ये देखो, एक भैया भी आ रहे हैं सामने से, थोड़ा जूम मार भैया को। अरे तो दिख ही नहीं रहे कैमरे में, चल छोड़ो, भैया की हाइट थोड़ी छोटी है। और ये देखो, मतलब बहुत ही अच्छा है रनिंग का ये पूरा। और हम थोड़ा इधर चल रहे हैं, थोड़ा रास्ता दिखाते हैं तुम्हें व्यू यहाँ का, कि रनिंग एरिया कैसा है यहाँ। और बहुत ही अच्छा है, और बहुत शांति मिल गई है यहाँ के, और बहुत ही अच्छा है नेहरू पार्क। आप सर्च भी कर सकते हो गूगल पे, यूट्यूब पे, आपको इसकी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी और ज़्यादा और इससे अच्छी। और बाकी जितना भी हम दिखा सकते हैं हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए देखिए गाइस, यहाँ पर ये कितना अच्छा एरिया है, और ये पार्क बहुत अच्छा है। वैसे यहाँ धूप हो रही है, मैंने बस आपको दिखाने के लिए यहाँ बैठा हूँ। देखो एक बार कैमरा घुमा, मतलब बहुत अच्छा ग्राउंड है, बिल्कुल जो कहते हैं ना एकदम ऑसम वो वाला। गाइस, ये थोड़ा जंगल टाइप का एरिया, मतलब ये अंदर का सीन है नेहरू पार्क का, वो थोड़ा बाहर का व्यू था, और हम आपको और अंदर का दिखाएंगे अभी। चलो तो फाइनली गाइस, हम यहाँ आ गए। ये एक बहुत ही मशहूर है, एक लक्ष्मण झूला यहाँ नेहरू पार्क का, और वो आ चुका है देखो सामने। अभी हम जाएंगे उस पर, दिखाएंगे आपको, उसी पर जा रहे हैं हम, आ जाओ। और ये यहाँ का बहुत ही मशहूर है, कहते हैं जो भी यहाँ आता है नेहरू पार्क में उस पर ज़रूर आता है। तो हमने भी सोचा क्या है ऐसा खास, चलिए देखते हैं। ऐसे तो कुछ ठीक ही है, नॉर्मल सा है, लकड़ी का है, थोड़ा देख के आना, कहीं भी कितना चले जाओ लक्ष्मण झूले के चक्कर में। मिलता भी है, और ये बहुत ही अच्छा है। और ये जैसे आ रहा है मेरा भाई, तो गाइस अभी हम बीचों बीच हैं इसके, अमन मासिस लगा लिया, वहाँ सामने गार्ड्स हैं, एक बार दिखा दे कैमरा जूम करके। और वो गार्ड भैया हैं तो थोड़ा वो मना कर रहे थे कि मास्क लगा लो, तो इसलिए हमने मास्क लगा लिया। और अभी हम बीचों बीच हैं लक्ष्मण झूले के, और ऐसा कुछ नहीं, इतना डेंजर नहीं है, देखिए ज़्यादा नीचा भी नहीं है, और मतलब ठीक है नॉर्मल। आपको फ़ोटो शूट करना है, व्लॉग बनाना है,
मतलब बहुत ही अच्छा है, नेहरू पार्क भी और ये लक्ष्मण झूला भी। आओ चलो थोड़ा बाहर तक। सो गाइस अब हम घूम लिए हैं पूरा नेहरू पार्क वगैरह, अब हम अपने घर की साइड जा रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं, ये लक्ष्मण झूला वगैरह हो गया सब। आओ चलिए और बाय बाय। ये देखो क्या भी कैसे झूलता है बिल्कुल। और ये यही लक्ष्मण झूला होता है ख़त्म। और हम जा रहे हैं अब घर। आइए एक बार देख लीजिए फिर लक्ष्मण झूला एक याद। देखिए यहाँ कितने बर्ड साउंड, मतलब बर्ड साउंड जो है कितना अच्छा है। यहाँ हर टाइप के बर्ड मिल जाएंगे आपको, चिड़िया, तोता, मैना, चील, चमगादड़ सब मिल जाएगा आपको यहाँ पर उड़ते हुए। ये देखिए ये फोटो शूट के लेकिन अच्छी जगह है। और यहाँ बर्ड भी है, गिलहरी, मतलब बहुत अच्छा है। चलिए स्टार्ट। तो गाइस अब हम नेहरू पार्क से बाहर निकल रहे हैं और ये एक पूल आ रहा है सामने और ये बाहर का रास्ता। तो आइए हम आपको दिखाते हैं सब कुछ कैसे क्या है। मतलब एक बार सुरंग दिखा दो घूम करके। ये वो है लक्ष्मण झूले के नीचे वाला वे, ये हाँ वो आगे लक्ष्मण झूले है। स्टार्ट। यहाँ गार्ड भैया भी बैठे हैं इसलिए मैंने मास्क लगा लिया गाइस। और ये देखो सामने एक पूल भी है। और बेसिकली बाहर निकलने का रास्ता, हम बाहर जा रहे हैं तो कर ले ना, ठीक है। तो गाइस हम फाइनली जा रहे हैं बाहर की साइड और ये हम रवाना हो चुके हैं। वो आ गया सामने रोड, अब हम बाहर निकलेंगे। एक बार जूम कर देते या अभी हम निकल ही रहे हैं, चलिए आइए गेट का। बाय बाय नेहरू पार्क। और गाइस ये इतना बड़ा पार्क है ना कि एक दिन में जो मतलब पूरा घूम ही नहीं सकते। और अगर जो घूम लिया अच्छी बात है, अगर घूम सकते हैं तो रनिंग एरिया से ही घूम सकते हैं। मतलब बीच बीच में जाके एक एक चीज़ अच्छे से देखें घूमें, मतलब नहीं घूम सकते। बहुत बड़ा पार्क है और जितना बड़ा है ये उतना ही अच्छा है। और ये ऐसा कुछ नहीं है जैसे लोग बाग बोलते हैं कि यहाँ फ्रेंड्स वगैरह आते हैं, सब लोग आ सकते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, कपल्स सब आ सकते हैं, सबके लिए अलाउड है। और हम तो खैर अब जा रहे हैं बाहर। तो गाइस हम आ चुके हैं बाहर और ये रह गया नेहरू पार्क, एक बार दिखा दे। और हम बाहर आ चुके हैं और अब हम घर जा रहे हैं। चलिए फाइनली गाइस हम घर आ चुके हैं और आज का ब्लॉग जो था हमारा नेहरू पार्क वो यहीं पर कंप्लीट हो चुका। और ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं था क्योंकि आज का कोई हमारा प्लान था नहीं वहाँ जाने का, बट एकदम रैंडमली प्लान बन गया। हम किसी काम से वहाँ गए थे तो हमने सोचा चलो यार एक ब्लॉग ही बना देते हैं, थोड़ा खुश कर देते हैं। और ऐसी बस इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आपको कैसा लगा वहाँ का व्यू और नेहरू पार्क वगैरह। और सब्सक्राइबर बढ़वा दो यार और अच्छे से लाइक कर दो। और ऐसे ही आप लोग हमें ढेर सारा प्यार देते रहो, हम आपके लिए नए नए ब्लॉग बनाते रहेंगे। सो इसी के साथ हमारा ब्लॉग कंप्लीट होता है और थैंक यू सो मच।